अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हुए एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और जैसा कि आपके लिए हमने बोला था कि यूज़ बाइक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेंज इस टाइम मौजूद है यूज़ में। तो अभी मेरे बैकएंड पे आप देख सकते हैं 250cc में मॉन्स्टर जीप इस टाइम जो मौजूद है, जिसका आज मैं कम्प्लीट रिव्यू करूँगा। आपकी जितनी भी इसकी जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स है वो आपसे डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में इसकी प्राइस भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे जो हम हर बार करते हैं कि अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के ज़बरदस्त रिव्यूज़ आपके लिए देखने को मिलते रहें। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारे पास क्वाड बाइक की जो नई वरायटी वो इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है हमारी शिपमेंट, तो उस हवाले से भी जो आपको कम्प्लीट रिव्यू भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी बढ़ते हैं जल्दी से इस जीप की जानिब, ATV की जितने भी डिटेल है आपसे डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके फ्रंट एंड बैक जो है आपको टायर साइज और रिम का बता देते हैं। फ्रंट एंड बैक जो इसका रिम साइज है वो 10 इंच का है और ये टोटल कस्टमाइज किया गया। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो कस्टमाइजेशन है पेंट जो वर्क वो कैसा लगा। तो ये हमने इसके ऊपर स्टाइल बनाया, जैसे कि इसकी बॉडी का कलर भी रेड एंड ब्लैक है, तो इसके साथ ही कलर कम्बिनेशन के साथ ही इसका जो है रिम का भी कलर स्कीम की गई है न्यू पार्क ट्रेडिंग की जानिब से। आपको क्लोजअप में भी ये चेक करा देता हूँ, ये टायर साइज इसके ऊपर मैंशन होता है ATVs के जितने भी होते हैं। तो इसका जो टायर साइज है 22-10-10 है, तो 10 का रिम है और 22 इसकी जो है विड्थ है और 10 इसकी जो है प्रोफाइल आती है। तो ये साइज जो है ये इसके ऊपर मेंशन है। अब बढ़ते हैं इसके शॉक सस्पेंशन की जानिब। तो फ्रंट पे इसके ड्यूल शॉक्स हैं, एडजस्टेबल जो शॉक्स लगे हुए हैं, इसकी एडजस्टमेंट है, आप हार्ड एंड सॉफ्ट ईजिली कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इसके ऊपर लाइट्स की जानिब। तो ये आप देख रहे हैं लाइट्स इसकी ऑन है और इसके अंदर जो है ये अभी पार्किंग मोड ऑन है और इसके बाद ही जैसे हम इसको लाइट्स को ऑन करेंगे तो ये देखें वाइट लाइट जो है वो ग्लो करती हुई नज़र आ रही है। और सेकंड जो ऑप्शन आता है वो इसके अंदर फ्लैशिंग का आता है, जैसे ये आप देख लें लाइट फ्लैश करती हुई नज़र आ जाती हैं। आप लाइट स्पोर्ट्स के ही इसको आउटडोर लेके जाते हैं किसी पर्पज़ के लिए, यहाँ पर फार्म हाउसेस पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट्स आपको ये विजिबिलिटी कम मिलती है, तो इसके ऊपर 4 कस्टमाइज एक्स्ट्रा LED लाइट लगाई हैं जो कि मोस्टली जीप में भी यूज़ होती हैं। तो ये आप देख लें बहुत ही तेज़ लाइट हैं। यहाँ पर जो वीडियो बन रही है शोरूम के अंदर बन रही है, तो फिर भी आपको जो लाइट का जजमेंट हो रही होगी, लेकिन ये इसकी असल विजिबिलिटी आपको रोड के ऊपर मिलती है कि इसकी लाइट्स की कितनी काफ़ी ज़्यादा थ्रो है। और ये 4 LED फ्रंट के ऊपर इसके इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं। इसकी ग्रिप्स की बात कर लें तो यहाँ पे राइट पे हमें एक्सीलेटर ग्रिप मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसकी जो है वो स्पीड की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जैसा कि बाइक्स में भी आती है। और यहाँ पे जो राइट साइड पे बटन लगा है वो इसका एक्स्ट्रा लाइट्स का बटन है। और इसके ऊपर आफ्टर मार्केट जो है बैक व्यू मिरर भी लगे हैं, काफ़ी अच्छे स्टाइल में इसके ऊपर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो इसकी लेफ्ट साइड असम्बली है इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ की हमें स्विच ऑप्शन मिल जाती है, उसके बाद लाइट हाई लो की ऑप्शन मिल जाती है, नीचे इंडिकेटर की, और उसके बाद हमें यहाँ पे हॉर्न की ऑप्शन भी मौजूद है ये लास्ट में। तो हॉर्न भी इसमें अगर आपको और चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। बाकी ये हैज़र्ड बटन भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आप इंडिकेटर्स भी फ्रंट पे आप देख सकते हैं, क्रिस्टल स्टाइल के इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाए हैं जो कि काफ़ी अच्छे ग्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रंट पे ऊपर भी ये इंस्टॉल्ड हैं और बैक के ऊपर भी सेम ये इंडिकेटर इंस्टॉल हैं। बाकी जैसा आपसे मैंने बोला था, इसके अंदर कस्टमाइजेशन पेंट वगैरह हर जो वर्क है वो न्यू पार्क ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से किया है, तो आप हमें बताइएगा आपको इसका जो वर्क है पेंट जॉब और जितनी मॉडिफिकेशन की है वो कैसी लगी है। और इसके अंदर 2 जो राइडर्स हैं वो ईज़िली बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है सीट के ऊपर। और फ्रंट पे भी ग्रिल इसकी प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉल्ड है और इसके बैक के ऊपर भी ग्रिल इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा कोई भी बॉक्सेस वगैरह या कोई लगेज रखना चाहें तो वो भी ईज़िली इसके ऊपर रख सकते हैं। 250cc एयर कूल्ड इसका इंजन है विथ 5 गियर, इसमें 4 फॉरवर्ड गियर्स मिल जाते हैं और एक हमें रिवर्स गियर की ऑप्शन मिल जाती है। काफ़ी अच्छे मटेरियल में बना है इसका, फ्रेम भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सॉलिड है और ये इंपोर्ट में आता है, लोकल मेड, इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगी, सारी जितने भी इसके अंदर चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं इसकी इंपोर्टेड इंस्टॉल्ड हैं और काफ़ी अच्छे मटेरियल में लगी हुई हैं। इसके बाद इसका पूरा कंप्लीट हेड टू टेल जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया आफ्टर मार्केट, और ल्यूमेंस का इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त इसकी साउंड है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको मैं स्टार्ट करके आपको साउंड भी इसकी ज़रूर चेक करवाऊंगा। बैक से भी आपको जीप की लुक दिखा देते हैं, यहाँ पर इसकी जो लाइट्स इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगाई गई है
बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है, ये आप देख सकते हैं। सिंगल शॉक हमें मिल जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल शॉक्स हैं। इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही पावरफुल ये शॉक्स इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो इसके फ्रंट पे भी आपको दिखा देते हैं ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है क्लोज़अप पे। तो फ्रंट के ऊपर जो है इसकी हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं फ्रंट पे, दोनों साइड पे व्हील्स के ऊपर ड्रम ब्रेक सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है, दोनों फ्रंट व्हील्स के ऊपर राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड पे ड्रम ब्रेक्स लगी हुई हैं। और जो बैक की है इसकी हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पे हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है ये ड्यूल पिस्टन कैलिबर, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग कंट्रोलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे टो करने के लिए वेंच हुक के लिए यहाँ पे मौजूद है, आप कोई भी इसके साथ कोई चीज़ ट्रॉली वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पे टो करना चाहें तो इसके यहाँ पे सॉलिड फ्रेम के अंदर यहाँ पे मौजूद है स्पेस, जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ टो वगैरह कर सकते हैं इजीली। तो बहुत ही कंफर्टेबल इसके ऊपर सेटिंग पोस्चर होता है। बाकी ये जो है यूज़ करते हैं फन पर्पज़ के लिए या ऑफ रोडिंग के लिए। और दूसरा जैसा कि अभी मैं इसके ऊपर बैठा हूँ काफ़ी कंफर्टेबल, और बैक पे भी मौजूद है एक मतलब अडल्ट ईजिली इसके ऊपर बैठ सकता है। बाकी जो शॉक सस्पेंशन है काफ़ी ज़बरदस्त है, जब ऑफ रोडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी कम्फर्ट मिल जाती है। तो ज़्यादा जो ऑफ रोडिंग होती है उसके ऊपर भी ये है कि आपको जो इसका फुट पैक है उसके ऊपर खड़े होकर इसको राइड करना पड़ता है ताकि आपको जो है ज़्यादा इसके ऊपर वो वाइब्रेशन फील ना हो और किसी किस्म के आप जर्क वगैरह आपको ना लगे। तो आदि 250 cc एयर कूल्ड विद 5 गियर ट्रांसमिशन, 4 फॉरवर्ड गियर और 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मिंट कंडीशन में। बाकी इसको अब स्टार्ट करते हैं, इसके आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की। तो फ्रेंड ये इस 250 सीसी की काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बाकी इसके ऊपर जो हमने हेड टू टेल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है ये स्लिप ऑन है, इसके अंदर आप कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना चाहे वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इजीली चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एग्जॉस्ट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, एग्जॉस्ट फिटिंग करने के लिए हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल मौजूद हैं जो कि इसको जो इसकी फिटिंग कस्टमाइज भी बना लेते हैं और इसको जिस टाइप का भी आप मॉडिफाइड करना चाहें एग्जॉस्ट सिस्टम किसी भी बाइक का, ATV का चाहे रेगुलर बाइक का स्पोर्ट्स बाइक का किसी भी कैटेगरी में बाइक में आप मॉडिफाइड करना चाहें वो भी न्यू पार्क ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये था रिव्यू 250 सीसी मॉन्स्टर जीप का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताई गई है इसके क्या क्या फीचर्स है वो आपसे डिस्कस किए गए हैं। ये बिल्कुल ओके है, इसको हमने जैसे कि न्यू पार्क ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से जो इसकी वर्कशॉप हमारी वहाँ से ये कम्प्लीट इसको मॉडिफाइड भी किया गया, इसको जितनी भी इसके अंदर आपको चीज़ें थी डिटेल में मैंने डिस्कस की, जिसके अंदर पेंट जॉब भी किया गया और इसको टोटल सारा दोबारा से कस्टमाइज जितना भी इसके ऊपर वर्क किया गया वो न्यू पार्क ट्रेडिंग के आउटलेट पर भी किया गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ATV जीप है या उसे आप सेल करना चाहते हैं या उसको दोबारा से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं या चेंज करके दूसरी लेना चाह रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैकेनिकल सर्विस के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छी वर्कशॉप मौजूद है, जिसके अंदर ATV क्वाड बाइक के एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, चाहे उसमें चाइनीज़ हैं चाहे उसमें ब्रांडेड ATV क्वाड बाइक्स हैं, उसकी कम्प्लीट हमारे पास जो है पार्ट्स की वैराइटी भी मौजूद है, उसके साथ मैकेनिक्स भी मौजूद हैं। अभी इसकी जैसे कि बोला था वीडियो के एंड में आपकी प्राइस डिस्कस करूँगा, तो इस 250 cc जीप की प्राइस जो है 475 है और ये जो है दुबई इंपोर्ट की है। बाकी इसको ऊपर जो कस्टमाइजेशन और वर्क है जितना भी किया गया वो हमारी न्यू पार्क ट्रेडिंग की वर्कशॉप के ऊपर किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल और MB ट्रेडिंग कंपनी को भी जरूर लाइक करें ताकि जितनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है वहाँ की उसकी जितनी पोस्ट है आपको पेज के ऊपर मिल जाएंगी, उनको भी लाइक आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे अदर जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको भी लाइक कीजिए फॉलो कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।